everyone. Today we will study about equation of a straight line. So first I'll tell what I'll cover in this video. The first one is inclination of the line. And what is inclination? ये एक line है, इसके ऊपर जिस angle पे ये जो दूसरा line मैं draw कर रही हूँ that is inclination. So we'll study about that or for different kinds of line. Next we'll study about slope or gradient of the same lines. उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलिनियरिटी का कंसेप्ट. व्हाट इज कोलिनियरिटी एंड हाउ डू वी यूज इन दिस इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आवर चैप्टर इज बेसिकली अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइंस. इन दैट वी विल फर्स्ट स्टडी अबाउट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ एन ऑब्लिक लाइन इन वेरियस फॉर्म्स. सो बिफोर दैट वी विल सी दैट विच आर द काइंड ऑफ लाइन. नाउ this is our graph, this is the x-axis, this is the negative x-axis, this one is y-axis and this is the negative y-axis. ठीक है, अब ये जो x line है that is our horizontal line और ये जो y line है that is our vertical line. तो हम इस और x axis से कोई भी अगर parallel line मैं draw करती हूँ, हमें सबको पता है parallel line क्या है. तो अगर मैं कोई भी parallel line इसके ये मैंने नीचे draw किया या फिर मैंने ऊपर draw किया तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए सारी horizontal lines हो जाएंगी. लेकिन उसके बाद उसके सामने जब मैं y axis जो हमारी vertical line है उसके against उसके parallel में कोई line draw कर रही हूँ, let's suppose this, तो ये जो है वो मेरी क्या वर्टिकल लाइन बन जाएगी. ना ये तो हुई हमारी दो टाइप की लाइन. फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है और जो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन है वो है वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल होती है. अब देर आर सर्टेन लाइन्स जो एक्स एक्सिस से भी पैरेलल नहीं होती और वाई एक्सिस से भी पैरेलल नहीं होती लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होती है. तो वो हमारे कौन से टाइप की लाइन होती है, वो हमारी ऑब्लिक लाइन होती है. ये वाली जो ना तो x एक्सिस से पैरेलल है और ना ही y एक्सिस से पैरेलल है, तो इसको हम नेम करेंगे ऑब्लिक लाइन. ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्लोप्स. अब स्लोप मतलब सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो स्लोप है वो इंक्लिनेशन पे डिपेंड करता है. तो इंक्लिनेशन क्या होता है, जैसे ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है लाइन ए और ये जो मेरी ऑब्लिक लाइन है लाइन बी. अब जिस एंगल पे मेरी ये जो ऑब्लिक लाइन बी है वो ए पे लाई करती है, ये हुआ वो एंगल थीटा. तो ये जो थीटा है वो मेरा इंक्लिनेशन है और इसी थीटा के बेसिस पे मैं मेरे इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकती हूँ. कमिंग ऑन टू स्लोप, स्लोप को हम एक और नाम भी देते हैं, एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ग्रेडियंट. कई जगह स्लोप को सिंपली स्लोप बोलते हैं और कई क्वेश्चंस में हमें स्लोप के बदले डायरेक्टली ये भी दिया हो सकता है ग्रेडियंट है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है. अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन है. हमारा जो भी थीटा होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि हमारा जो स्लोप है वो किस पर डिपेंड करता है, इंक्लिनेशन पर. तो हमारा जो स्लोप है जिसको हम एम से स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा. मतलब अगर ये मेरा थीटा है, अगर ये जो बी लाइन है वो अगर ए पे लाई करती है 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे मेरा जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टेन 30 विच विल बी इक्वल्स टू 1/√3. ठीक है, ये अगर सिमिलरली कोई और लेट्स सपोज अगर 40 है तो मेरा स्लोप क्या आ जाएगा, 10/45. अब नेक्स्ट कमिंग ऑन टू स्लोप ऑफ एक्चुअल लाइन्स, तो जैसे हम ये चीज़ भूलेंगे नहीं, ये 10/30 वाली. कमिंग ऑन टू हॉरिजॉन्टल लाइन, अब कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द लाइन और यही लाइन है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या हुआ, ज़ीरो. तो यहाँ पे मेरा थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये कहीं पे इंक्लाइंड नहीं है, कोई भी स्लोप नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका m मतलब स्लोप वो कितना होता है, 0. क्यों, क्योंकि इसका थीटा 0 है. तो हमारे पास 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0.
टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो इसलिए हर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। कमिंग ऑन टू वर्टिकल लाइन, अब वर्टिकल लाइन है, लेट सपोज दिस, ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट एंगल पे है वर्टिकल लाइन हमेशा, हम जब भी ऐसे, लेट सपोज दिस इज द ग्राउंड, और अगर मैं यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो वो 90 डिग्री पे, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो तब इस केस में हमारा थीटा क्या हो गया, 90। तो हर कोई वर्टिकल लाइन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ वाई एक्सिस हो सकते हैं, वाई एक्सिस से कोई भी पैरेलल अगर कोई वर्टिकल लाइन है तो उसके लिए हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, 90। और मैं स्लोप कैसे फाइंड करती हूँ, 10 थीटा को लेके, तो ये हो जाएगा 10 90, विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप होगा ज़ीरो, और अगर कोई भी वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप निकालना इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब वो डिफाइन नहीं कर सकते हम वर्टिकल लाइन का स्लोप। ठीक है, तो अभी हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का स्लोप। अब कमिंग ऑन टू ऑब्लिक लाइन, जैसे मैंने पहले बताया था ऑब्लिक लाइन क्या होती है, जो एक्स और वाई एक्सिस दोनों से पास होती है, तो हम उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास दो पॉइंट्स होने चाहिए। हम जब भी ग्राफ वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में, तो जो थर्ड टाइप ऑफ लाइन जो हमें देखनी है वो है ऑब्लिक लाइन, और उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज ये दो पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अगर मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है m, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, लेकिन ये कब, जब मुझे पता नहीं है कि ये जो थीटा है वो क्या है, जब मेरे पास थीटा की वैल्यू मिसिंग है। ऑब्वियसली अगर थीटा की वैल्यू मुझे दी हुई है तो मैं डायरेक्टली m इज इक्वल्स टू 10 थीटा वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन हर बार तो मुझे ग्राफ में देंगे कि नहीं कि ये इतने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो तब मुझे क्या करना है, तब मेरे पास ऑब्वियसली ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है तो मैं, अगर मुझे पॉइंट्स नहीं भी दिए हुए हैं तो मैं ग्राफ्स में से देखकर निकाल सकती हूँ, तो दो पॉइंट्स को मैं क्या नेम करूँगी, x1 y1 और x2 y2, और तब उस दो पॉइंट्स को फाइंड करके मैं उसका स्लोप निकाल सकती हूँ, कैसे, y2 - y1 / x2 - x1। तो इस तरीके से ये हमारी लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स का स्लोप मिल जाएगा। और ये कब है, ये कब होगा, जब हमारे पास थीटा नहीं होगा। अब कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज कोलिनियरिटी। अब कोलिनियरिटी मतलब क्या, उसके लिए हमेशा हमें तीन पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। अगर कोई भी तीन पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है, लेट सपोज दिस इज़ द लाइन, और अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, लेट सपोज ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है बी, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है सी, अगर ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में है तो क्या होगा, तो मैं इन तीन पॉइंट्स को कोलिनियर बोल सकती हूँ। लेकिन अगर ये बी वाला पॉइंट यहाँ पे ना होकर अगर थोड़ा इससे ऊपर होगा तो मैं ये लाइन ए बी सी को कोलिनियर नहीं बोल सकती। ठीक है, अब ये हम किस लिए पढ़ते हैं, जब भी हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात करते हैं तो कोलिनियर लाइन का जो स्लोप है ना वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। जैसे अगर ये लाइन है, ठीक है, मैं यहाँ पे उसका स्लोप निकालूं या फिर यहाँ पे उसका स्लोप निकालूं, उसका स्लोप सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा है, हम जब भी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो अगर मैं 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तो मैं 60 डिग्री ऐसे कंस्ट्रक्ट करती हूँ। ठीक है, तो मैं जब भी देखूँगी, अगर मैं यहाँ पर मेजर करूँ या फिर यहाँ पर मेजर करूँ या फिर यहाँ पर मेजर करूँ, मैं जहाँ जहाँ पर भी मेजर करूँगी वो हमेशा जो है वो 60 डिग्री ही रहेगा। तो हमारा थीटा जो है वो सेम रहेगा हर जगह पे, अगर मेरी बेस लाइन स्ट्रेट है तो। ठीक है, तो इसीलिए अगर जैसे ये लाइन है हमारी, ये कोलिनियर लाइन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो ये जो एंगल है, लेट सपोज थीटा, ठीक है, अब वहीं से मैं इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे एंगल है, लेट सपोज थीटा 2, और उसके ऊपर ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट सी पे, मैं तीसरी एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये है थीटा 3।
अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ये जो सारी एक्स एक्सिस के जो पैरेलल वाली लाइंस होती है उसका स्लोप क्या होता है, जीरो। लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल हमें ये वाली लाइन का स्लोप करना है, तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस है, जो तीन पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ की है, उसका ये वाली लाइन लाइन ए बी सी के स्लोप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन सब का स्लोप सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ये थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ये थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से मैं ये कह सकती हूँ थीटा वन इज इक्वल्स टू थीटा टू इज इक्वल्स टू थीटा थ्री। इसका मतलब अगर कोई भी तीन पॉइंट्स अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसको हम फर्स्ट तो कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, और कोई भी दो पॉइंट्स का अगर मैं चेक करूं तो उनका जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो थीटा है वो कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। और जब और मुझे हमें पता है कि वाई एम इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, तो अगर मेरे थीटा की वैल्यू लेट सपोज अगर 30 है तो मैं कहीं पे भी जाके कैलकुलेट कर दूं तो 10 30 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, विच इज़ इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो ये हमारे जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं या फिर कोलिनियर लाइन है उसका क्या होगा, ये ए बी का स्लोप, स्लोप जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ये अदर हाफ बी सी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ए सी ए और सी का उन वो दो पॉइंट्स को लेके कंसिडर करूँगी स्लोप, तो वो स्लोप भी इक्वल होगा किससे, बी सी से या फिर ए सी से। कहने का मतलब ये है कि अगर तीन लाइंस एक ही पॉइंट में है, तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो उसका स्लोप जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, उससे यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ डिफरेंट लाइंस, जो हमने अभी तीन टाइप की इक्वेशंस पढ़ी है, तीन टाइप की लाइंस पढ़ी है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड ऑब्लिक लाइन। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले अगेन हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो ज़ीरो होगा। लेट सपोज द पॉइंट इज़ 3,0, तो ये जो पॉइंट है 3,0 तो वो किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 0। तो ऐसे अगर हम देखें तो ये जो हर एक्स एक्सिस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक चीज़ हम यहाँ से ये देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वो क्या होगी, वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखें ये वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हम कोई भी पॉइंट जो है वो अगर वाई एक्सिस पे लाई करता है उसका मतलब क्या है कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। लेट सपोज द पॉइंट इज 0,4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस पे तो वो 0 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये जो पॉइंट होगा वो हमारा वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हुआ 3 यूनिट्स का, और ये जो डिस्टेंस है वो हुआ 4 यूनिट्स का, तो इसको हम इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। अब इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट है, लेट सपोज ये जो है ये यहाँ से हमारी एक लाइन पास हो रही है, ये दोनों पॉइंट से ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, तो ये जो लाइन ए बी है वो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से जितने डिस्टेंस दूर अपना मार्क करती है फिर अपना कट मारती है उसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे लाइन है ये ए बी, तो यहाँ से वो कितने डिस्टेंस पे है, थ्री यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से हमारा एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3। सिमिलरली अगर इसको मैं वर्टिकली देखूँ तो ये जो लाइन है ए बी वो वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट होके जा रही है, इस वाले पॉइंट से, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है 4 यूनिट्स, तो ये जो है मेरा वाई इंटरसेप्ट वो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तो देख ली इक्वेशन, अब हम देखेंगे कि अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, लेट सपोज ये लाइन है, ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है और वो ए यूनिट्स के डिस्टेंस पे है,
तो उसकी लाइन क्या, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, कब, जब वो लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है और उसके ए यूनिट्स दूर हैं, ठीक है. अगर सिमिलरली अगर हम देखें कि कोई लाइन जो है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है, लेट सपोज ये, और वो बी यूनिट्स दूर है, तब उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है. अभी हम आगे पढ़ेंगे जो ऑब्लिक लाइन्स हैं उनकी इक्वेशंस कैसे फाइंड करनी है, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली ऐसा दिया है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से दूर है, तो और हमें पता है कि वो लाइन और एक्स एक्सिस में इतने यूनिट्स का डिफरेंस है, लेट सपोज 3 यूनिट्स का डिफरेंस है, तो मेरा इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 3. सिमिलरली अगर मुझे ये बोला है कि मेरी जो लाइन है वो वाई एक्सिस से पैरेलल है और वो बी यूनिट्स के डिस्टेंस पे, लेट सपोज 5, तो उस केस में मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 5. अब कमिंग ऑन टू हम ऑब्लिक लाइन्स, मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पैरेलल नहीं है उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे. तो अभी हमने जो 4 इक्वेशंस देखी वो कौन सी थी, वो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थी. अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सा है, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. हमारा जो सेकेंड फॉर्म है वो है स्लोप पॉइंट फॉर्म, और इसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे एज अ नेम सजेस्ट, हमारे यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास एक तो स्लोप हो और दूसरा इंटरसेप्ट. मैंने इंटरसेप्ट का मतलब अभी समझाया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होता है वो किस इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट की, ठीक है. तो हम स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, और इंटरसेप्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से. तो यहाँ से जो हमारी जो बेसिक इक्वेशन फॉर्म होती है, जो जब हम बोलते हैं ना इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो कौन सी, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है. तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है. अब जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, तो जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं तो उसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. सिमिलरली जब हमें ये कोई बोलता है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक इक्वेशन है वो कौन सी होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. अब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो सेकेंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है वो बेसिकली यहीं से डिराइव होते हैं, तो अगर हमें ये पता है तो हम ये दोनों चीज़ें भी डिराइव कर सकते हैं. तो ये जो है वो हमारी बेसिक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ पे जो सी है दैट इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू स्लोप पॉइंट फॉर्म. अब स्लोप पॉइंट फॉर्म मतलब हम नाम से देख ही सकते हैं, एक हमारे पास स्लोप है और एक हमारे पास पॉइंट है, तो तब हम क्या फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज पॉइंट है एक्स वन और वाई वन, तो यहाँ से हमारे पास वाई है, ये हम ये इक्वेशन को बेस लेंगे. अब क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, वाई माइनस वाई वन, ये जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारे वाई से, विच विल बी इक्वल्स टू एम. एम तो हमारे पास है ही इस वाले इक्वेशन में भी, तो एम को तो ऐसे ही रखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है एक्स, तो जैसे हमने वाई वन को वाई से माइनस किया, हम सिमिलरली एक्स को माइनस करेंगे एक्स, एक्स वन को माइनस करेंगे एक्स है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ये जो सी है वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इस यहाँ पे इंटरसेप्ट बनाए, वो जो लाइन है वो यहाँ से होकर यहाँ पे ख़त्म भी हो सकती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर बार इस केस में सी हो, तो इसलिए हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लोप होगा और दूसरा पॉइंट होगा. स्लोप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से. पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वन और वाई वन से. तो इसी इक्वेशन को बेस बना के हम वाई वन की वैल्यू जो है वो वाई से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच विल बी इक्वल्स टू एम, हमारे पास यहाँ पे भी है,
इन टू, जैसे हमने वाई वन को सब्ट्रैक्ट किया वाई से, हम यहाँ पे एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स. अब कमिंग ऑन टू टू पॉइंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना ही तो हमारे पास स्लोप है और ना ही इंटरसेप्ट है, हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स है. कौन से? एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले जब हम इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइंस पढ़ रहे थे, तब मैंने बोला था कि हर बार जो है वो हमें थीटा नहीं दिया होता है, तो हर बार हम थीटा को लेके स्लोप नहीं फाइंड कर सकते, हमें हम पॉइंट्स के थ्रू भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं. तो ये जो हमारी इक्वेशन है ना, वो ये सेम इक्वेशन है, सिर्फ हम ये क्या करेंगे, इसको एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन को हम यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे. तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एम. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमने तभी भी पढ़ा था कि एम अगर हमारे पास नहीं है लेकिन उसके बदले हमारे पास दो पॉइंट्स है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो ऐसे हम स्लोप को रिप्लेस कर सकते हैं ये वाली फॉर्मूला से. लेकिन ये कब हो सकता है, ओनली एंड ओनली जब हमारे पास दो पॉइंट्स हो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमें ना ये चीज़, अगर हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट को लिया है एक्स वन कॉमा वाई वन और दूसरे पॉइंट को लिया है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ये ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, कि हम थ्रू आउट द क्वेश्चन उसी पॉइंट को एक्स वन और वाई वन कंसिडर करेंगे और उसी पॉइंट को एक्स टू और वाई टू कंसिडर करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे. अब ये मैंने क्यों बोला, वो मैं जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है. जैसे क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स 2,3 एंड लेट्स सपोज 4,6, ठीक है. अब यहाँ से सबसे पहले पूछेंगे कि स्लोप फाइंड करो और इक्वेशन फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, पहले स्लोप फाइंड करेंगे. तो m कैसे फाइंड करते हैं, y2 टू माइनस वाई वन, तो हमारे पास y2 क्या है, 6 माइनस 3 अपॉन x2 टू माइनस एक्स वन, मतलब 4 माइनस 2, तो ये क्या हो गया, 3 अपॉन 2, ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक है. अब इस स्लोप को हमें यहाँ पे डालना है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे अब हमने x1 और y1 जो लिया है हम उसी का वही कंसिडर करेंगे, हमने x1 y1 इस वाले पॉइंट को लिया है तो हम इसी पॉइंट को यूज़ करके ये वाली इक्वेशन बनाएंगे. तो जैसे हमारे पास y माइनस y1 क्या है, हमारे पास 3 अपॉन x माइनस x1 क्या है, 2, तो x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 2, ठीक है. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है, क्या, हमारी हर एक इक्वेशन इस फॉर्म में आ जानी चाहिए, मतलब y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाले फॉर्म में आ जानी चाहिए. तो जैसे यहाँ पे तो ये माइनस सिक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 एक्स. तो ये जो है वो हमारी इक्वेशन बन गई, कौन सी, उस लाइन की जो 2,3 से और 4,6 से पास करती है. अब यहाँ पे अगर हमने इस चीज़ में गलती कर दी कि यहाँ पे हमने 2,3 के बदले अगर 4,6 रख दिया, तो हमारा जो आंसर है वो पूरा चेंज हो जाएगा. इसीलिए हम थ्रू आउट द क्वेश्चन, अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 लिया है तो मैं थ्रू आउट द क्वेश्चन वही रखूँगी, अगर मैंने सेकेंड पॉइंट को x1 y2 लिया है तो मैं थ्रू आउट द क्वेश्चन वही रखूँगी. अब हमने सारी इक्वेशंस कैसे फाइंड करनी है वो तो पढ़ लिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2x माइनस 2√3y माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. ये हमारी इक्वेशन है और हमें फाइंड क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन. अब ग्रेडियंट मतलब मैंने पहले ही बोला था, ग्रेडियंट मतलब स्लोप. नेक्स्ट इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, मतलब यहाँ पे हमें फाइंड करना है m, यहाँ पे हमें फाइंड करना है थीटा और यहाँ पे हमें फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, मतलब कि c, जो हमारे नॉर्मल हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, जो हमारी बेसिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c.
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इक्वेशन है बेस इक्वेशन, उसको हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? ये इक्वेशन है 2x माइनस टू रूट थ्री वाई माइनस रूट थ्री, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्योंकि हमें जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये y वाले टर्म को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये वाला जो टर्म है वो इस साइड चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस रूट थ्री इज इक्वल्स टू टू रूट थ्री वाई, ठीक है। अब ये हमारी जो है वो इक्वेशन बन गए। अब क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में सिर्फ y चाहिए, तो ये y के पास वाला टर्म है उसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिवीजन में ला दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन टू रूट थ्री इज इक्वल्स टू वाई। तो यहाँ पे टू टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या फॉर्म होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे फाइंड क्या करना है, m, तो मैं इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करूँगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाली इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो यहाँ से मेरी जो m की वैल्यू है वो क्या आएगी, वन अपॉन रूट थ्री, और c की वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस वन अपॉन टू। तो हमारा ये फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ से जो m है वो क्या आएगा, वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। और नेक्स्ट जो c है, इंटरसेप्ट जो हमें फाइंड करना है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन अपॉन टू। अब नेक्स्ट जो है हमें ये फाइंड करना है, इंक्लिनेशन। तो जैसे पहले अगर हमें थीटा दिया हो और हम स्लोप फाइंड कर रहे थे, इस केस में क्या है, हमारे पास स्लोप है और हमें थीटा फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे टेन थीटा की जो वैल्यू है वो वन अपॉन रूट थ्री है, स्लोप की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री है। स्लोप मैं कैसे फाइंड करती हूँ, टेन थीटा से। तो ये क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट थ्री। अब टेन इनवर्स मतलब क्या, हमें सीधा सीधा टेबल में जाके देखना है कि जो टेन के कौन से थीटा पे वन अपॉन रूट थ्री आता है, तो वो क्या हो जाएगा, टेन थर्टी पे। तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थर्टी। तो इसका मतलब जो हमारा इंक्लिनेशन है वो क्या हो गया, थर्टी डिग्री। तो जब हमारे पास इक्वेशन होती है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, फिर उसको इस एक्चुअल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास m और c, ये तो दोनों की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। अब या तो हमारे पास थीटा हो सकता है या तो हमारे पास स्लोप हो सकता है, तो हमारे पास स्लोप तो है, तो हम स्लोप को कैसे किससे कंपेयर करेंगे, टेन थीटा से। और हम जब टेबल में जाएंगे और हम वैल्यू फाइंड देखेंगे कि टेन की कौन सी वैल्यू पे हमारा जो आंसर है वो क्या आता है, वन अपॉन रूट थ्री, तो हमें पता है कि वो टेन थीटा की वैल्यू है जो आती है वन अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ से जो हमारा इंक्लिनेशन है वो क्या हो गया, थर्टी डिग्री। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो है निकाल दिए। जो अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो चीज़ दी हुई है, एक ये पॉइंट और दूसरा एंगल। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो हम जो हमारा दूसरा फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसको कंसिडर करके हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमें स्लोप नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। द लाइन थ्रू अ पॉइंट 5.3 इंटरसेक्ट्स एट वाई एक्सिस ऑन क्यू, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब लेट सपोज ये हमारा जो है वो ग्राफ है, जो हमारा पॉइंट 5.3 है वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, 5.3। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि वो एक्स एक्सिस पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पे, क्यू पे। तो ये है हमारा 45 डिग्री और ये है हमारा पॉइंट क्यू। अब मुझे यहाँ पे दिया नहीं है कि क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, लेकिन यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, वो है क्या, कोलिनियरिटी का
ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, ये पॉइंट थ्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन है हमारी पी क्यू, उसका स्लोप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा, चाहे मैं इतने पार्ट का स्लोप निकालूँ या फिर इतने पार्ट का स्लोप निकालूँ। तो अब सबसे पहले हमें क्या पूछा है, स्लोप ऑफ पी क्यू, तो हमने वो देखा। अब स्लोप मुझे डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये जो एंगल दिया है, तो फर्स्ट मुझे फाइंड करना है स्लोप, मतलब एम ऑफ पी क्यू। तो मेरे पास दो पॉइंट्स नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मेरे पास एंगल तो है, तो वो क्या हो जाएगा, 10 45, विच इज़ इक्वल्स टू 1। 10 45 की जो वैल्यू है वो है 1 होती है हमारे पास। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पी क्यू। तो अब कोई भी दो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। या तो फर्स्ट वाला, जब हमारे पास स्लोप या इंटरसेप्ट हो, तो हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यूज़ के कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सेकेंड, या तो हमारे पास एक पॉइंट हो, या तो एंड एक पॉइंट हो एंड एक स्लोप हो, या तो फिर हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमें P और Q दोनों के पॉइंट्स नहीं पता है, सिर्फ पी के पॉइंट्स पता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्लोप है, जो हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था। तो हमारे पास स्लोप है और हमारे पास पॉइंट है 5.3, तो वो क्या हो जाएगा, हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से यूज़ कर सकते हैं। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है उसकी इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस केस में हमारे पास एक्स वन वाई वन क्या हो जाएगा, 5 जो है वो हो जाएगा एक्स वन और 3 है वो हो जाएगा वाई वन। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें एक्स वन और वाई वन की जगह पे पुट करना है, गलती से भी एक्स और वाई की जगह पे पुट नहीं करना है। वो और एक्स वाई हमारे, एक्स और वाई हमारे क्या है, वो वेरिएबल्स है जो हर इक्वेशन में होते हैं। तो ये वाई माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 इज इक्वल्स टू एम, हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। तो अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये y माइनस 3 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जब भी हम इक्वेशन फाइंड करते हैं ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वो हर बार किस फॉर्म में होने चाहिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं ये 3 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। तो ये जो है वो मेरी इक्वेशन बन गई, किसकी, इस लाइन की। अब हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट क्यू है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि इंटरसेक्ट्स एट वाई एक्सिस ऑन क्यू। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा। तो हम इस पॉइंट को क्या अज्यूम करेंगे, 0, y, ठीक है। अब मैंने अगर इसको 0, y अज्यूम किया है, तो हमारा उस केस में हमारा ये जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्स टू वाई टू, ठीक है। लेकिन इसके लिए अब हम देखते हैं, इसके लिए ना हम ये y इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है थर्ड टाइप की, टू पॉइंट फॉर्म, वो इक्वेशन क्या कहती है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी वाई टू के बदले वाई रख दूंगी तो वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम हर बार जब अज्यूम करते हैं तो हम देख के अज्यूम करते हैं कि वो सेम वेरिएबल हमारे पास क्वेश्चन में कहीं और नहीं है। तो हम लेट सपोज इसको अज्यूम कर देते हैं 0, a, ठीक है। तो a तो हमारे पास और कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी 5, वाई वन की वैल्यू हो जाएगी 3, एक्स टू की वैल्यू होगी 0 एंड वाई टू की वैल्यू होगी a। अब हमारे पास स्लोप की भी एक फॉर्मूला है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये चारों वैल्यूज भी है और m की वैल्यू भी हमने इसी क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में फाइंड करी थी। तो m की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल्स टू, वाई टू की वैल्यू है हमारे पास 0, वाई टू की वैल्यू है a माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है 3 अपॉन एक्स टू की वैल्यू है हमारे पास 0 और एक्स वन की वैल्यू है 5। तो ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5।
5. अब मैं इस चीज़ को जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आएगा, माइनस 5 इज इक्वल्स टू ए माइनस 3. अब क्योंकि मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 3 को मैं इस साइड शिफ्ट कर दूँगी, तो मेरे पास माइनस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2. तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, ये जो क्यू वाला पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, 0, -2. और ये हम यहाँ से क्यों सही है वो देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे आता है, तो जो नेगेटिव वाई एक्सिस है वहाँ से हमारी हर वाई की वैल्यू जो नेगेटिव होती है और जीरो की एक्स की वैल्यू जीरो होती है. तो इस तरह से जब हमें कोई पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट दिया है और इस स्लोप में, स्लोप के बदले एंगल दिया है, तो हम पहले तो स्लोप फाइंड करेंगे एंगल को यूज़ करके. नेक्स्ट जब उसी लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, एंड देन स्लोप की फॉर्मूला यूज़ करके हम वो पॉइंट भी निकाल सकते हैं. अब भी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ना तो कोई पॉइंट दिया है और ना ही स्लोप दिया है, सिर्फ हमें क्या दिया है कि हमारे जो दो पॉइंट्स हैं उनका मिड पॉइंट. अब लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है. अब ये हमें क्यों दिया है, एक्स एक्सिस पे हमारा जो पॉइंट होता है उसका जो वाई ऑर्डिनेट होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉमा ज़ीरो, क्योंकि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा ज़ीरो होता है. और जो दूसरा पॉइंट है वाई एक्सिस, वो हमें इसलिए क्योंकि हमारे पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो उसमें हमेशा ज़ीरो होता है, तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, 0, D. देर आर टू पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास जो ये फर्स्ट पॉइंट है ए, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, एंड जो सेकेंड पॉइंट है बी, उसकी वैल्यू हो गई 0, B. तो हमारे पास अब दो पॉइंट्स मिल गए. और हमें ये भी बोला है कि जो पी है पॉइंट 2, -3 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी. मतलब लेट सपोज ये ए है और ये जो है पॉइंट हमारा बी, उसका मिड पॉइंट है पी 2, -3. अब ये मिड पॉइंट है और हमारे पास यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ है वो ज़ीरो है, तो उससे हमें क्या, हमें तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड करने, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से. तो फर्स्ट लेट सपोज 2 इज इक्वल्स टू x1 + x2/2, और यहाँ पे -3 इज इक्वल्स टू y1 + y2/2. तो यहाँ पे जो a पॉइंट है वो है 0 और b पॉइंट है 0, B. तो हमारे पास यहाँ से ये पॉइंट है x1, y1 और ये वाला पॉइंट है x2, y2, और ये हमारा मिड पॉइंट है जो हमारे फॉर्मूला हमने अप्लाई किए. तो यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू कितनी है a, और यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो a + 0/2. तो ये 2 मैं इधर लेके जाऊँगी तो ये मेरा a क्या बन जाएगा, 4. सिमिलरली यहाँ पे ये 2 जो है वो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 × 3 - 6 इज इक्वल्स टू y1 की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 0 प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास b, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, -6. तो यहाँ से मैं ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो यहाँ से a के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 4, 0, और b का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0, -6. अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, मुझे फाइंड करना है स्लोप, तो मेरे पास स्लोप की फॉर्मूला है m = y2 - y1/x2 - x1, ठीक है. अब y2 की अगेन हम ये a वाला पॉइंट है उसको x1, y1 लेंगे और जो b वाला पॉइंट है उसको x2, y2 लेंगे, तो x1 की वैल्यू हो गई 4, y1 की वैल्यू हो गई 0, x2 की वैल्यू हो गई 0, y2 की वैल्यू हो गई -6. तो ये क्या हो गया, y2 जो है -6 -y1 जो कि है 0 / x2 की वैल्यू है 0 -x1 की वैल्यू है 4. तो ये क्या हो गया, -6 / -4, तो मेरा जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 3/2. तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया. अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए बी. तो हमारे पास स्लोप है
और दो पॉइंट्स हैं। अब हम दो पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट लेंगे, तो वो होगा ये जिसको हमने एक्स वन वाई वन कंसिडर किया था, ठीक है। अब मैंने पता है थोड़े देर पहले बोला था कि जो पॉइंट को हम एक्स वन कॉमा वाई वन ले उसी पॉइंट को हम थ्रू आउट उसी को कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड फाइंड करना है हमें इक्वेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, थ्री अपॉन टू, तो हो जाएगा x माइनस एक्स वन, एक्स वन की वैल्यू कितनी है, फोर। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा टू वाई इज इक्वल्स टू, मैं ब्रैकेट जब ओपन करूँगी तो ये आएगा थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व। अब मुझे एज यूजल हमें इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना है, तो ये y ऑलरेडी जो y है सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ एक और टर्म भी है तो उसको मैं डिविजन में लेके जाऊंगी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू थ्री एक्स अपॉन टू माइनस ट्वेल्व अपॉन टू। तो यहाँ से जो मेरी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू एम मतलब थ्री अपॉन टू इंटू एक्स माइनस टू सिक्स ट्वेल्व, तो ये मेरी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। तो आज के हमने वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, नेक्स्ट स्लोप ऑफ द लाइन, एंड हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्लिक लाइन के स्लोप कैसे फाइंड करते वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने लाइन ऑफ द इक्वेशंस पढ़ा कि अगर एक्स एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, अगर वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एंड अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है और उसका यूनिट जो है वो ए यूनिट दूर है तो वो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली अगर कोई लाइन है जो वाई एक्सिस से पैरेलल है और पर्टिकुलर यूनिट्स पे दूर है, लेट्स सपोज बी, तो हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू बी। और उसके बाद जो हमने तीन टाइप के पढ़े वो टाइप ऑफ ऑब्लिक लाइन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो फर्स्ट था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें हमें स्लोप दिया हो और इंटरसेप्ट दिया हो तो वो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जो सेकेंड फॉर्म था वो था पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहाँ पे हमें एक पॉइंट और स्लोप दिया हो तो हमने पॉइंट क्या कंसिडर किया था, x1 कॉमा वाई वन एंड स्लोप था हमारा m, तो वो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम माइनस एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जो थर्ड टाइप था हमारा टू पॉइंट फॉर्म, जहाँ पे हमें सिर्फ दो पॉइंट्स दिए हो, तो वो क्या होगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू एम को हमने रिप्लेस कर दिया उसकी फॉर्मूला से, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। थैंक यू।